बीते दिनों ईडी ने राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसके साथ साथ बता दूं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और राजस्थान के भी कुछ ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनके आवास पर भी छापेमारी की गई थी। और छापेमारी कल रात के लगभग 10:30 बजे तक चली थी, जो कि और भी जो ठिकाने हैं वहां पर, जो कि विनोद सिंह है जो कि आर्किटेक्ट हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही थी। और एक दिन के बाद जो है कई कुछ मिलने के जो है बात सामने आई। और अभी जो है ईडी ने एक रिलीज जारी किया है एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से, ये जो सर्चेस चलाए गए थे 12 ठिकानों पर, उसका कहीं ना कहीं बताया है कि क्या कुछ उसमें बरामद किया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये जो पूरी छापेमारी थी वो किससे संबंधित थी, जिस तरह से मैंने बताया था, यह हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि अवैध खनन से जुड़ा पूरा मामला था और इसी मामले में जो है कल छापेमारी की गई थी। 12 ठिकाने थे जहाँ पर जो है छापेमारी की गई थी और साहिबगंज के जो डीसी हैं रामनिवास यादव, उनके आवास पर भी छापेमारी की गई थी। और ईडी के अनुसार जो है टोटल जो है 7,25,000 रुपये उनके जो आवास है वहाँ से बरामद किए गए हैं। उसके साथ साथ जो अन्य ठिकाने थे वहाँ से 36,99,000 रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, कई डिवाइसेस बरामद किए गए हैं। तो कल जो छापेमारी चली है इसमें ये चीज़ें जो हैं ईडी ने बरामद किए हैं। और संभवतः कुछ दिनों बाद जो है कई लोगों को समन भी भेजा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो है अवैध खनन मामले में पहले भी जो है छापेमारी हो चुकी है। और इससे पहले जो प्रमोद पंकज मिश्रा हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद कई और लोगों की भी गिरफ्तार हुई थी। और बताया गया था कि साहिबगंज से जो ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं 1,000 करोड़ का मामला है, और इसी मामले में जो है सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है और 2 से 3 बार जो है सीबीआई की टीम साहिबगंज जा चुकी है। और दहू यादव जो कि इसी मामले से कहीं ना कहीं संबंधित है, उसके आवास पर भी ईडी ने बीते दिनों छापेमारी की थी। उसके बाद जो है सीबीआई ने भी उसके घर पर दबिश दी थी। और जो ये पूरे जांच का सिलसिला है लगातार जारी है, चाहे वो बात कर ले ईडी की या फिर सीबीआई की, तो लगातार जो है छापेमारी का सिलसिला जारी है। और इसी के तहत जो है ईडी ने कल छापेमारी की थी और 12 ठिकानों पर दबिश दी थी। और आज प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है क्या कुछ बरामद किया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में और क्या कुछ होता है और किन किन लोगों के नए नाम सामने आते हैं और किन्हें समन भेजा जाता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए रांची से नीरज कुमार।